कल शिफ्टिंग थे और आज फिल्म के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, यानी मैं और रेवन का प्रेजेंस होना जरूरी है। बाकी जो अर्बन क्लियर कंपनी होती है ना, वहाँ से हम लोग ने स्लॉट बुक करवाया था क्लिनिक के लिए। जो अनफर्निश्ड होता है घर, उसकी डीप क्लिनिक के लिए जो पैकेज होता है ना, उससे मंगवाया। सो अब 12:30 बज रहे हैं, हम लोग तो पहुँच गए बट उन लोग अभी तक के नहीं पहुँचे। और इतनी बारिश में आए ना, हम लोग देख सकते हो भीग गए। और कल से ना लगातार इधर आना जाना ही चल रहा है, और रक्षाबंधन है और हम लोग वो सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर पाए। छोटी सी हम लोग ने राखी ऐसे बनवा ली है हाथ में। आवाज आई थिंक बहुत ज्यादा गूंज रहा होगा ना सो अभी उन लोग का वेट करते हैं थोड़ा देर और फिर काम पे शुरू। यानी कि हम लोग को जस्ट उन्हें बताना है कि किधर आपको ज्यादा यानी अच्छे से सफाई करनी है, दैट्स इट। तो इस घर का होम टूर बहुत जल्दी आएगा, अभी तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। हमारा घर पहले सारी चीजें हो जाए, फिर मैं वन बाय वन सारी चीजें आपको आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। देखिए गाइस, कि बारिश हो रही है। The next day. Hey everyone, welcome back to my channel. Very good morning, guys. So, आज का दिन बहुत emotional day है, क्योंकि आज shifting है और अभी मैं सो के उठी हूँ सुबह 4:30 बजे से मैं उठ चुकी हूँ और अभी 6:30 हो रहा है morning का। और आज है पैकिंग डे, यानी कि हम shift कर जाएंगे न्यू वाले फ्लैट पे। और इस फ्लैट पे हम लोग 6.5 years रहे, सो इस घर के साथ में बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं गाइस। सिर्फ 2 कपड़ों की बैग लेके मैं और रेवन यहाँ आए थे शादी के बाद, और सारा जितनी भी चीज़ है ना, इन 6.5 years में ये पूरा घर हम लोग ने भर दिया था सब सामान से। और आज इसी घर को छोड़ के हम लोग न्यू घर चले जाएंगे। बट ऐसा तो है कि अगर हम रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हैं, रेंटल फ्लैट्स में रहते हैं, तो ये शिफ्टिंग मूविंग शिफ्टिंग ये चलते ही रहती है। तो अटैचमेंट होता है बट कहीं तो हमें अटैचमेंट को छोड़ देना पड़ता है। बहुत सारी मेमोरीज़ जो है वो इस घर पे है। बहुत अच्छे अच्छे टाइम यहाँ हम लोग ने बिताए हैं। सो आज का दिन जो है ये थोड़ा इमोशनल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी रहने वाला है, क्योंकि आज जो है यहाँ से सामान जाएगा, 10 बजे मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे। मैंने सुबह का टाइम उन्हें दिया था बट फिर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि कल मैं न्यू वाले फ्लैट से ना बहुत लेट घर पे आई, 8 बजे आई, जबकि हम लोग का टारगेट था कि हम 4 बजे घर पे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे और कुछ पैकिंग कर लेंगे अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं। और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अर्बन क्लब वाले ना बहुत लेट है, तो उन्हें जाने के लिए 8 बज गया। और आपने कल के वीडियो में देखा ही होगा कि क्लीनिंग चल रही थी और मेरा कंटिन्यूसली ना बाहर आना जाना चल रहा था। बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है ना, तो मुझे और रेवन को सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ रहा है। और एरिया थोड़ा नया है, कुछ नई नई चीज़ें खरीदनी थी, तो वो सारी शॉपिंग वगैरह करने के लिए मैं और रेवन बार बार बाहर जा रहे थे। और बाहर बारिश भी बहुत है, इवन अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। सो कल पॉसिबल नहीं हुआ, तो आज फिर मैंने जो टाइम है ना वो 10 बजे कराया, जो 8 बजे का टाइम मैंने दिया था उन्हें मूवर्स एंड पैकर्स वालों को। तो आज मैंने थोड़ा सा 1.5 घंटा लेट करके लिया है, 10 बजे उनकी गाड़ी लग जाएगी। सो मैंने सोचा जल्दी उठ के थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो समेट लेती हूँ, और बाकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना वो तो पैक करके लेके ही जाएंगे। तो चलिए आज का दिन देखते हैं कितना मैं शूट कर पाती हूँ और कितना शूट नहीं कर पाती हूँ। जितना पॉसिबल हो ना उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँगी।
मॉर्निंग. सो ये है आज का गुड मॉर्निंग हमारे न्यू हाउस से, न्यू घर से. सो गाइस, कल जैसे कि आपने देखा कि हम लोग ने घर शिफ्ट किया, पूरा एक ही दिन में जितना हो सकता था मैक्सिमम 80% हमने घर को अरेंज किया. बारिश शुरू हो गई. सो गाइस, कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था. सुबह 3 बजे से मैं उठी थी क्योंकि मुझे ना टेंशन बहुत हो रहा था कि हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे. बट यहाँ ना रेवन के जो एक फ्रेंड है आयुष भैया, वो उन्होंने इतनी हेल्प की है गाइस जिसकी कोई हद नहीं. उन्होंने पूरा घर अरेंज करने के लिए ना बहुत अच्छी हेल्प की. पूरा घर इस सिस्टमेटिक अरेंज हम लोग ने मिलके किया. अभी 80% घर जो है ये अरेंज हो चुका है. और आप देख सकते हो मेरी जो हालत है ना गले की, ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हुआ इस वीक में. बहुत बार इतना दूर ट्रैवल करना, बार बार एग्रीमेंट ये वो, इसके लिए आना न्यू घर पे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने करवाई, जैसे कि जो पेंटिंग होती है वो करवाई, उसके बाद में क्लीनिंग करवाई, उसके बाद जो जहाँ जहाँ पर हमें जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, प्लम्बर वगैरह, ये सारी चीज़ हमने करवाई. तो जिस वजह से ना बहुत बार 20 किलोमीटर्स हमें ट्रैवल करना पड़ा पूरा 1 वीक. और कल का दिन जो था ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, इसलिए मेरा आवाज़ जो है आप सुन सकते हो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है, एकदम मोटा मोटा सारा है. और अभी यहाँ पे सिर्फ गैस हमारा शुरू नहीं हुआ है, तो कल रात में डिनर करने के लिए मैं बाहर गई थी और वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना हिम्मत नहीं था. इवन जो पैर वगैरह है ना, ये चल ही नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा हम लोग थक गए. इतना पेन हो रहा था ना पैरों में, इवन तलवे भी बहुत जल रहे थे. तो आप सोच सकते हो कि बहुत शिफ्टिंग, इट्स नॉट अ ईजी टास्क, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस. तो सुबह हम लोग 8 बजे यहाँ पे उठ गए क्योंकि बहुत थक गए थे. प्लान तो था कि और लंबा सोना चाहिए था, बट एक्साइटमेंट भी इतना ज़्यादा है नए घर में उठने का, उससे ज़्यादा जल्दी उठना चाहिए था. बट हाँ कि हमें नींद भी कंप्लीट इसलिए करना है, आज का भी दिन जो है कुछ शॉपिंग करनी है इस घर के लिए. तो आज हम लोग होम सेंटर जाएंगे, देखते हैं कि क्या खरीद सकते हैं. और कल मैंने रखी है घर पे पूजा, कुछ हमारे नियरर एंड डियरर है, उन्हें हमने लंच पर बुलाया है और पंडित जी भी हम लोग ने बुक करवाया है. तो कल इस घर पे पूजा होगी, तो इसलिए आज का दिन जो है थोड़ा पर्दे वगैरह मुझे यहाँ के लिए लेना है, तो होम सेंटर जाएंगे. सो देखते हैं आज कितना व्लॉग बन पाता है. सोफ़ा यहाँ लग चुका है गाइस. और कपड़े कल मैंने यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धो के यहाँ पे अभी सुखाए हैं क्योंकि वो वाले घर पे ना हमें टाइम नहीं मिल रहा था वॉशिंग के लिए. तो कल हमने वॉश करके इसे सुखा दी, या आज शाम तक के इसे भी हम निकाल देंगे जब ये पूरा ख़त्म होगा. किचन में कल रात में हमने आरओ वाले को बुलाया था, तो आरओ फिट हो चुका है. बेड भी हम लोग ने लगा दिया है. बेडरूम एकदम सिंपल है, अभी इसे डेकोरेट करेंगे. बट मुझे बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना पसंद नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है. क्रिकेट की अलमारी हम लोग ने अरेंज की है. और ये जो है, ये जो मेरा मेकअप का पूरा रहता है सेटअप, बट फिलहाल अभी मेकअप की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे मैंने बैग में रखी हूँ. और ये हूँ मैं. सो गाइज, यहाँ पे एक शेल्फ हम लोग ने लगा लिया है टीवी के नीचे ताकि यहाँ पे रिमोट वाईफाई और सेट ऑफ बॉक्स जो होता है ना टीवी का वो लगा लें. तो यहाँ पे एक फिटिंग ये हो चुकी है. सो गाइज, इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना, ये तुलसी नीचे आ जाती है. इसे मैं बार बार ऐसे रखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि नीचे आके ना सारे पत्ते इसे झड़ जाएंगे, फिर ऐसे करते करते तुलसी ख़राब होने लगेगी. सो ये है हम लोग का आज का लंच, जिसमें मैंने पराठे और भिंडी की सब्जी और बूंदी रायता मंगवाया था. और मीनवाइल मुझे थोड़ा मेरे लिए समय मिला, तो समय निकाल के मैं गई थी सैलून और थोड़ा पैम्परिंग टाइम चाहिए था. सो गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड. अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस. बिल्कुल लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए. चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़.